नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट के चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे राइट्स के बारे में। ये गवर्नमेंट की मिनी रत्न कंपनी है, इनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स है और इसको BSE और NSE में लिस्टेड हुए एक साल भी पूरे नहीं हुए हैं और इन्होंने थर्ड टाइम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। आगे हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसके पहले हम जानेंगे अगर इनका आप देखोगे तो 52 वीक लो 185 का है और 52 वीक हाई 326 का है, जो कि लगभग अभी 52 वीक लो और हाई के बीच में ही चल रहा है ये स्टॉक। अगर हम एक साल के चार्ट देखते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, ये अभी अभी लिस्टेड हुई है, एक साल भी इसको पूरे नहीं हुए हैं, तो 196 में चल रहा था, उसके बाद ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ गया, अब ये फिर से थोड़ा नीचे आया है। तो मेरे ख्याल से जिसने भी IPO के टाइम पे इस स्टॉक को लिया था उसको अभी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 4763 करोड़ के मार्केट कैप है और इस कंपनी ने दो बार डिविडेंड दे चुकी है और अभी तीसरी बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो 55% इन्होंने दिया हुआ है 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के ऊपर। तो अब हम उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रमोटर्स की 87.40% की होल्डिंग है और बाकी FII प्लस DII के 12.6% की होल्डिंग है, जो कि बहुत बढ़िया है इन्वेस्टर्स के लिए। और हम अगर इनकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा बड़ा है इनका सेल का टर्नओवर सितंबर क्वार्टर से। तो अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 433.26 करोड़ का सेल का टर्नओवर था और दिसंबर क्वार्टर में 511.35 करोड़ का। और अगर हम इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनको सितंबर क्वार्टर में 116.75 करोड़ का हुआ था और दिसंबर क्वार्टर में 117.47 करोड़ का, जो कि थोड़ा बड़ा है। और अगर हम दिसंबर क्वार्टर 2017 की बात करें तो सेल का टर्नओवर इनका था 359.64 करोड़ का और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट था 106.62। तो लगभग सेम ही है, सिर्फ थोड़ा बड़ा है दिसंबर क्वार्टर 2018 में। अब मैं इनका लेटर निकलता हूँ जिसमें इन्होंने डिविडेंड के बारे में बताया है। ये देखिए, मैंने इनका लेटर निकाला है। में लिखा है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन मंडे 11th March 2019 टू कंसिडर एंड अप्रूव द सेकेंड इंटीमेंट डिविडेंड। तो इसमें यह लिखा है इफ़ एनी एंड टू फिक्स द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मीन्स इसमें लिखा है कि इन्होंने 11 मार्च 2019 को इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है, इसमें ये अप्रूव करने वाले हैं इंटीमेंट डिविडेंड। तो यही एक न्यूज़ थी जो आप लोगों को बताना था। और अगर मैं इन स्टॉक की बात करूँ तो इन्होंने पहले ही 50% का डिविडेंड दिया है एक साल के अंदर ही। तो मैं इसका डिविडेंड की निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इन्होंने इंटीमेंट डिविडेंड 47.50% का जो टिकट दिसंबर हाल ही में दिया है और फाइनल डिविडेंड एक बार दिया था July 30 को 20% का, जो कि लगभग अगर कैलकुलेट करते हो तो लगभग 50% के ऊपर जाता है। और अगर हम 10% फेस वैल्यू के ऊपर देखें तो लगभग 6 रुपये के करीब इन्होंने पर शेयर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया है।
जिसके पास भी ये स्टॉक है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।